आज पूरी दुनिया जो है कि एडिक्शन के ऊपर काम कर रही है, पूरे सारी दुनिया के लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आप सबको समझने की जरूरत क्या है कि अगर आपकी जिंदगी में चाहे जितने रिसोर्स हो, चाहे जितने आपके पास साधन हो, चाहे जितने मौके हो, अगर आप उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते दोस्तों, तो उन रिसोर्सेस का, उन माध्यमों का कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि एक बंदा है जो कि सारे सीढ़ियों के ऊपर खड़ा है, उसके बाद भी उस पार देख नहीं पा रहा। इसका मतलब यही कि उसके पास साधन बहुत है, सीढ़ियां बहुत है। वो व्यक्ति अगर थोड़ा सा दिमाग लगाता तो उसको एक सीढ़ी सीधा लगा के वो आराम से उस पार तक देख सकता था, लेकिन उसने क्या किया कि उसको पोजीशन नहीं समझ पाया। इसी तरह से आपके जीवन में डिएक्शन कंपनी चाहे जितना प्रोडक्ट आपको दे दे, अगर आप उसका पोजीशन नहीं जब तक समझेंगे, पोजीशनिंग नहीं कर पाएंगे, तब तक जो कि वो प्रोडक्ट जितना भी कंपनी देगा, आप वो अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे जो अचीवमेंट आप करना चाहते हैं, जो पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, जो ड्रीम बनाए हैं, जो चीजें आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसको पोजीशनिंग करना अच्छे से नहीं जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपके पास चाहे जितने साधन हो, चाहे जितने माध्यम हो, अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं जानते हैं, तो उस साधन से रहने से ना रहने से आपके जीवन में कोई भी बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है कि आपकी जिंदगी में कितने साधन, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितने साधन को अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम इसी के ऊपर कुछ बातें करने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है, कि प्रोडक्ट जो हमारा है, जो डिक्शन का प्रोडक्ट है, ये पोजीशन अगर आप अच्छे से करें, अच्छे से बात करें, तो ये जो चीजें होती है कि इसे एक बहुत ही जबरदस्त आपको रिस्पॉन्स आता है अगर आप अच्छे से पोजीशन कर पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हम तो बात तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, काम तो करते हैं, लेकिन हमारा जो काम है वो बनता नहीं है। एक्चुअल में समस्या ये है कि आप बात करते हैं, मेहनत सब सही है, लेकिन आप अच्छे से उस प्रोडक्ट को पोजीशन नहीं कर पाते हैं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रोडक्ट पोजीशनिंग में, कि जो हमारा मार्केट है, जो हमारा स्कोप है, वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट को कैसे उस पे पोजीशन करते हैं। क्योंकि डिक्शन आज आपको लगभग 40 से 42 प्रोडक्ट आपको देता है, बहुत सारे प्रोडक्ट डिक्शन में आ रहे हैं और आने वाले भी सारे बहुत प्रोडक्ट हैं। लेकिन डिक्शन चाहे जितना प्रोडक्ट दे दे, अगर आप मार्केट नहीं समझेंगे, इसका स्कोप नहीं समझेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट अच्छे से पोजिशन नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तो आप जो है कि मार्केट में फेल हो सकते हैं। और तीसरा जो सबसे अहम कारण है कि अगर आप डिक्शन का जो पोजीशन है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। जो हमारा प्रोडक्ट है, डोंडरमा का जो प्रोडक्ट है, या स्क्रोइना है, या डिक्शन का जो भी प्रोडक्ट है, इसका पोजीशन आपको पहले खुद समझना है, उसके बाद में इसके इसके बारे में आपको अच्छे से ध्यान करना है, जानकारी रखनी है। जबकि ये जो प्रोडक्ट है किसी इलनेस के लिए नहीं है, ये सबसे बेहतर जो है कि वेलनेस के लिए है। अगर आप डिएक्शन का जितना भी प्रोडक्ट है, इसका जो पोजीशन की अगर बात की जाए, तो ये बीमारियों को ठीक करने के बजाय ये वेलनेस के लिए है, स्वस्थ रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, जवान रहने के लिए, फुर्तीला रहने के लिए, ताकतवर रहने के लिए, ये सारी चीजें जो है इस पर डिपेंडेंट करती है। तो आपको सिर्फ बीमारियों के ऊपर बात नहीं करनी है, बीमारी बन के डॉक्टर नहीं घूमना है, आपको इलनेस के अलावा भी आपको वेलनेस पे ज्यादा इसका फोकस करना है, क्योंकि इसका जो असली पोजीशन है वो वेलनेस का। और तीसरा जो चीज है, सेलिंग जो होता है ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, सबसे जो 90% जो आपका कन्विक्शन है और 10% जो है आपका कम्युनिकेशन है, मतलब 10% ही कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, बाकी 10% जो होता है आपका कन्विक्शन, मतलब कन्विंस कैसे करते हैं लोगों को, आप कैसे बात करते हैं, कैसे पोजीशन करते हैं, कैसे उसके ऊपर वो चीजें करते हैं, कि वो 90% डिपेंडेंट करता है दोस्तों। तो ज्यादातर लोग करते हैं सिर्फ बात करते हैं, बात सिर्फ करने से नहीं होगा, सिर्फ कम्युनिकेशन करने से नहीं होगा, आपको उसको कैसे कन्विक कर रहे हैं, आप कैसे उसको बता रहे हैं, कैसे उसको समझा रहे हैं, कैसे आप पोजिशन कर रहे हैं, ये चीजें जो कि बहुत बड़ा महत्व रोल करता है। जैसे कि आप किसी के बाहर किसी को चाय के बारे में बता रहे हैं, या कॉफी के बारे में बता रहे हैं, स्टोरीना के बारे में बता रहे हैं, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण ये चीज समझना है कि अगर उस व्यक्ति को अगर आप ये प्रोडक्ट देते हैं, तो उसके लाइफ में क्या एड होगा, वैल्यू कितना एड कर रहे हैं आप, ये अगर आप उसको बताते हैं दोस्तों, तो वो चीज होती है आपका परफेक्ट पोजिशनिंग हो जाता है। क्योंकि जो भी आपका प्रोडक्ट है, ग्योडर्मा का जो प्रोडक्ट है, जो भी ये सारे प्रोडक्ट हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो इसको इस्तेमाल करता है, तो उसके लाइफ में क्या वैल्यू एड होगा, क्या उसके जीवन में बदलाव आएगी, ये आपको बताना है। क्योंकि आमतौर पर देखा जाए जो भी डिक्शन प्रोडक्ट देते हैं, इसी तरह से सेम नाम से प्रोडक्ट बाजार में भरी है, भरा पड़ा हुआ है, लेकिन जो डिक्शन प्रोडक्ट देता है, अगर आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके जीवन में क्या वैल्यू एड होता है, ये भी आपको देना जरूरी है। ये जो चार बातें हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं प्रोडक्ट पोजिशनिंग को लेकर। तो ये चार चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इस दुनिया में अगर आपको हेल्दी रहना है, तो दो ही माध्यम है, दो ही रास्ते हैं, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो एक पहला जो माध्यम है वो है आपका नेचुरल फूड, और दूसरा है कन्वेंशनल मेडिसिन, मतलब दवाइयां।
तो ये दोनों में जो फर्क क्या है, ये दोनों चीज अगर देखा जाए तो दोनों में फर्क है। अगर अप्रोच की बात की जाए तो जो प्राकृतिक आहार होता है वो होलिस्टिक होती है, मतलब वो सबके लिए होता है, किसी का मतलब पार्टीशन नहीं होती है, वो सबके लिए होता है। मगर वही जो मेडिसिन में अगर आप जाते हैं तो सेगमेंटल होता है, मतलब कि वो किसी अंग या किसी जगह विशेष के लिए होती है, और उसका जो फोकस होता है, अगर इसका फोकस की बात करें तो जो नेचुरल फूड का फोकस होता है वो आपको हेल्दी रखने के, आपको स्वस्थ देने के लिए मदद करता है, आपका हेल्थ में इजाफा करने के लिए मदद करता है। वही जो मेडिसिन होती है आपको रोग रोग से बचने के लिए या रोगों को कंट्रोल करने के लिए मदद करती है। मेथड की अगर बात करें तो प्रिवेंशन के लिए आपका नेचुरल फूड इस्तेमाल करते हैं, प्रिवेंशन के लिए आपको जो कि ये भोजन आपको लेना होता है, और जो दवाइयाँ होती है जो सेगमेंटल मेडिसिन होता है ये जो कि किसी को क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए दी जाती है। और प्रोडक्ट अगर बात की जाए, अगर नेचुरल फूड की बात की जाए तो इसमें सप्लीमेंट्स आते हैं, और आपका जो कन्विक्शन मेडिसिन है उसमें आपका ड्रग्स आता है। और गोल इसका उद्देश्य जो होता है, अगर नेचुरल फूड के उद्देश्य की बात करें, इसका एक ही उद्देश्य होता है दोस्तों, आपको वेलनेस रखना, आपको वेल रखना, आपको अच्छा रखना, आपको तंदुरुस्त रखना, आपको हेल्दी रखना, आपके जीवन में अच्छा करने के लिए काम करता है। और जो मेडिसिन होती है, जो कन्वेंशनल मेडिसिन होती है दोस्तों, उसका काम है करेक्शन करना, अगर कहीं बिगड़ गया, टूट गया, फूट गया, उसमें काम करना मेडिसिन का काम है। जो आपका नेचुरल फूड है उसका काम है वेलनेस। वेलनेस का मतलब होता है स्वस्थ रहना, जवान रहना, सुंदर रहना, तंदुरुस्त रहना, फिट रहना, एनर्जेटिक रहना और बीमारियों से बचे रहना, तो ये वेलनेस का पार्ट है। और आज पूरी दुनिया जो है कि यही चीजें वो चाहती है, पूरी दुनिया के लोग आज इसी चीज के ऊपर फोकस हैं, पूरी दुनिया के लोग यही चाहते हैं कि उनको बीमारियां ना हो, वो बीमार ना पड़े, उनको कभी भी किसी तरह का इशू ना हो, या कभी वो हमेशा फिट रहें, स्लिम रहें, हेल्दी रहें, और कभी भी जीवन में किसी तरह का कोई समस्या ना हो, ये सारे लोग चाहते हैं। तो आपको भी ये चीजें समझनी है, सिर्फ आपको डॉक्टर बनकर घूमना की शुगर के लिए खाओ, बीपी के लिए खाओ, प्रेशर के लिए खाओ, ऐसे कैंसर के लिए खाओ, ये चीजें नहीं करना। आपको पहले इसका सेगमेंट खुद समझना है, इसका आपको खुद अच्छे से अगर आप समझ लेते हैं तो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने में बहुत बड़ा मदद मिलने वाला है, बहुत बड़ा हेल्प आपको मिलने वाला है। तो ये हम सभी को समझने की जरूरत है। और कहा जाता है कि आप इस बिजनेस में जैसे आए हैं, जैसे कहा जाता है कि ये बात डिक जगलर ने कही थी कि आप बिजनेस बिल्ड नहीं करते हैं, आप जो है कि लोगों को बिल्ड करते हैं, और वो लोग मिलकर जो है कि आपका बिजनेस बिल्ड करते हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। उसी तरह जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा प्रोडक्ट है उसी तरह हमारा बिजनेस है। हम जो है कि प्रोडक्ट को सेल नहीं करते हैं, हम प्रोडक्ट के बारे में लोगों को एजुकेट करते हैं, और फिर लोग अपनी जरूरत के हिसाब से अपना प्रोडक्ट लेते हैं। तो आप जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे बीच में, आपकी टीम में, हमारी टीम में, सारे पूरी दुनिया में लोग ऐसे घूम रहे हैं, इनका एक ही मानना है, एक ही कहना है कि सर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, 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 लोगों का एक ही रोना दोस्तों। तो अगर आप इस बात को लेकर रो रहे हैं तो आपको पहले ये लाइन आपको समझना है जिग जैगलर की, उन्होंने एक बात बताई थी कि यू डोंट बिल्ड बिजनेस, आप बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, आप लोगों को बिल्ड करते हैं, फिर वो लोग मिलकर जो है कि बिजनेस को बिल्ड करते हैं। अगर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको पहला काम करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी टीम में बिल्ड करें, अपने लोगों को बिल्ड करें, अपनी टीम में बिल्ड करें, नए नए लोगों को बिल्ड करेंगे तो निश्चित रूप से आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। अब आइए हम बात करते हैं, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो इसका चार जो है कि बेसिक फंडामेंटल जो है कि आधार है, चार चीजें हैं। जो पहला जो चीजें है पॉजिटिव मेंटालिटी, आप हमेशा सकारात्मक रहें, इसके लिए आपको आप शून्य प्रैक्टिस कर सकते हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के लिए बहुत ही पावरफुल असरदार ये सेशन है उसका, आपका ये क्या बोलते हैं कि माइंड के लिए, आपका मन को कंट्रोल करने के लिए, आपको मन के अपने बस में रखने के, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं ये चार चीजें आपको कंपलसरी ध्यान देनी है। अगर ये चार चीजें में अगर कहीं भी आप चूक जाते हैं दोस्तों तो आप हेल्दी नहीं रह सकते हैं। तो पहला जो चीज है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, मतलब सकारात्मक आपका दिमाग का जो है कि नजरिया होना चाहिए, हर चीज में पॉजिटिविटी आपको दिखनी चाहिए। दूसरा जो चीज होता है आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल होना चाहिए, आपका जो खाना है, पानी है, उठना है, सोना है, जागना है, ये सारा चीजें हेल्थ से रिलेटेड होना चाहिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल आपका होना चाहिए, और उसके साथ में आपका खाना भी हेल्दी होना चाहिए, आपका खाना हेल्दी होना चाहिए, आपका भोजन हेल्दी होना चाहिए। अगर ये चीजें आप करते हैं दोस्तों तो निश्चित रूप से जो कि आप हेल्दी। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन क्यों जरूरी है इंसान के जिंदगी में, आज हम जितना भी डाइट ले रहे हैं, जो भी आज आप लोग खा रहे हैं, जो भी चीजें हम लोग खा रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, समस्या ये आ रही है कि आज हमारे खाने और हमारे शरीर के बीच में जो न्यूट्रिशन का गैप बन गया है, हमारा खाना और हमारे शरीर के बीच में एक न्यूट्रिशन का गैप बन गया है, वो न्यूट्रिशन का अभाव होने की वजह से आज हमारे शरीर का अच्छा ग्रोथ नहीं हो रहा है, अच्छा एनर्जी नहीं आ रही है, अच्छा स्टेमिना नहीं आ रहा है, ये चीजें हो रही हैं दोस्तों। तो हम सभी को क्या समझने की जरूरत है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बॉडी हेल्दी हो और हम हेल्दी रहें, हमें
जिंदगी भर कभी बीमारियों में ना जाना पड़े, कभी भी दवाइयां ना खाना पड़े, तो ये चार स्टेप आपको समझने की जरूरत है। तो हेल्दी डाइट भी होना चाहिए और उसके बाद में सप्लीमेंटेशन, क्योंकि आज हम जितना भी हेल्दी डाइट ले रहे हैं दोस्तों, हर हेल्दी डाइट के देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह जो है कि न्यूट्रिशन की अभाव है। तो न्यूट्रिशन की कमी पूरा करने के लिए आपको सप्लीमेंटेशन की जरूरत होती है। अब आइए बात करते हैं हेल्थ का क्या महत्व है। अगर हेल्थ की बात करें, अगर हेल्थ की महत्व की बात करें दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी चीज है। अगर हेल्थ की बात करें, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है, ये एक हमारा एसेट है। इंसान का जो शरीर है एक बहुत बड़ी संपत्ति है। अगर इसको हम अगर पैसे में बात करें तो एक बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है, बहुत बड़ी चीज है हमारा शरीर। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इंसान का शरीर सबसे जटिल और सबसे महंगा, दुनिया का सबसे महंगा जो है कि मशीन है, सबसे जटिल और सबसे महंगा मशीन है इंसान का शरीर। मतलब सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे एक्सपेंसिव है मशीन हमारा बॉडी। कोई सुनील कुमार जी हैं, ये स्क्रैच कर रहे हैं, प्लीज उनको थोड़ा सा बताएं, स्क्रैच ना करें प्लीज। हमारा जो बॉडी है, जो हमारा बॉडी है वो एकदम ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इंसान के शरीर के बारे में समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे पहले के जमाने में जो कि एक वैद्य जी होते थे और एक जगह आपका नाड़ी पकड़ के पूरे शरीर के बारे में बताते, मगर आज आ गया कि आप लेफ्ट आई का अलग स्पेशलिस्ट, राइट आई का अलग स्पेशलिस्ट, लेफ्ट किडनी का अलग स्पेशलिस्ट, राइट किडनी का अलग स्पेशलिस्ट, लीवर का अलग स्पेशलिस्ट, ब्रेन का अलग, मतलब हर अलग अलग अंग जो हमारे बॉडी के हैं वो हर चीज का अलग अलग स्पेशलिस्ट आ रहे हैं आज मार्केट में। लेकिन आपका जो बॉडी है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही एक्सपेंसिव मशीन है इस दुनिया में। अगर इस दुनिया में जितने भी मशीन की अगर हम बात करते हैं, जितने भी मशीन की बातें करते हैं, वो जो सारी मशीन है, अगर सारी मशीन को एक तरफ रख दिया और इंसान के शरीर को एक तरफ रख दिया, उसके बाद में भी आपका शरीर उन सारे मशीनों से महंगा चीज है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और सबसे खास बात है कि अब हम अपने शरीर को कैसे डील करते हैं, कैसे अपने शरीर को हम डील करते हैं, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। आप अपने शरीर को कैसे डील करते हैं, क्या चीजें देते हैं, और ये सारी चीजें आज हम सभी को समझने की जरूरत है। और आज ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप ये सारी चीजें समझ जाएंगे तो आप अपने प्रोडक्ट को एक अच्छे तरीके से पोजीशन कर सकते हैं और आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। हमारा बॉडी बना कैसे, हमारा शरीर काम कैसे करता है, हमारा बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, और उसमें हमारा डिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, आपका ग्रैंडर्मा का, स्पिरुलिना, मोरिंजी, जो भी डिएक्शन के पास प्रोडक्ट है, उसका क्या रोल है, और हमारे शरीर का वेलनेस मैकेनिज्म के लिए हमारा शरीर काम कैसे करता है, और इसमें जो है कि डिएक्शन का जो भी प्रोडक्ट है हमारे बॉडी के वेलनेस के लिए क्या मैकेनिज्म है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हमको जानना जरूरी है। तो आपका जो बॉडी है दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर है, और हमारा बॉडी जो है, हमारा शरीर, आपका जो शरीर है, ये खुद का डॉक्टर है, खुद का लैब है, खुद का फार्मा है, और इससे बेस्ट लैब इस दुनिया में कहीं नहीं है, इससे बेस्ट डॉक्टर कहीं नहीं है, इससे बेस्ट फार्मा कहीं भी नहीं है। तो ये हमारा बॉडी जो है वैक्सीनेशन का भी काम करता है और एंटी ट्रीटमेंट का भी काम खुद कर लेता है, इतना पावरफुल आपका शरीर है। मगर आपको अपने शरीर के बारे में अच्छे से जानना होगा। अगर जब आप अपने शरीर के बारे में अच्छे से जान पाएंगे दोस्तों, तो आपका बॉडी वैक्सीनेशन का भी काम कर लेता है और एंटी ट्रीटमेंट, मतलब अलग अलग जो जैसे कैंसर हो गया उसको भी एंटी ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो कैंसर को भी ट्रीट करने का ताकत आपका बॉडी रखता है। मगर उसके लिए आपको अपने शरीर के बारे में समझना होगा। और इंसान के शरीर की अगर हम बात करें, इंसान की बॉडी की अगर बात करें, तो बहुत ही अद्भुत मशीन है इंसान के शरीर। क्योंकि आज तक इस दुनिया में जितनी भी तरह की मशीन बनाई गई है, जितनी भी चीज तरह की चीजें बनाई गई है, हर चीज को स्टार्ट करने के लिए एक उसमें स्विच होता है। जैसे आपके पास बाइक होगा, स्कूटी होगा, कार होगी, या फिर और उससे बड़े बड़े व्हीकल्स होंगे, ये सारे के सारे जो व्हीकल्स होते हैं, जो सारे की सारी साधने होती है, सारे के सारे साधनों में कहीं ना कहीं आपको एक बटन होती है या फिर एक स्विच होता है जहां से हम उसको स्टार्ट करते हैं। मगर ऊपर वाले की एक अद्भुत गिफ्ट है इंसान का शरीर, जहाँ कहीं भी स्टार्ट करने का कोई बटन, ये शरीर खुद उठता है, खुद सोता है, खुद काम करता है, और खुद सारी चीजें जो खुद करता है। तो ये आपको समझने की जरूरत है, हमारा बॉडी अद्भुत है, तो बेस्ट डॉक्टर है, लैब है, फर्मा है, उसके बाद वैक्सीनेशन और एंटी ट्रीटमेंट का भी काम खुद कर लेता है। लेकिन इसके लिए हमें अपने शरीर के बारे में अच्छे से जानना होगा। अगर ये सारी चीजें हम अच्छे से जान लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपका बॉडी जो है इस दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर बन पाएगा। आपका शरीर सब कुछ आपको बताता है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी पूछता है कि आपको क्या क्या हो रहा है, कब बुखार आया, कितने दिन से आ रहा है, क्या, ये सारी चीजें डॉक्टर आपसे पूछता है और फिर जो है कि वो दवाई आपको देता है। तो ये सारी चीजें आपका बॉडी खुद करती है। तो आपसे और आपके बॉडी के बारे में आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं जान सकता। अब ये हम बात करते हैं, हमारा बॉडी जो है
हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हमारा स्केलेटन सिस्टम है, आपका इस रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका डाइजेशन सिस्टम है, स्केलेटन मतलब हड्डियों का समस्त चीजें हैं, आपका ब्रेन है, आपका लीवर है, आपका ये सारी चीजें जो है कि एक आपस में मिलजुल के काम करती हैं। सारे के सारे अंग जो हमारे शरीर में, अगर अंग की बात की जाए तो लगभग लगभग मुझे लगता है कि 13,540 से अलग अलग अंग हमारे बॉडी में हैं, और ये सारे के सारे अंग, सारे के सारे एक अंग एक साथ काम करते हैं और एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से। जिस दिन हमारा बॉडी का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, एक आपस का तालमेल बिगड़ने लगता है, एक आपस का तालमेल अच्छे से नहीं रहता दोस्तों, उस दिन आपको समस्या शुरू हो जाती है। तो हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम है, जैसे कि स्केलेटन सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन, ये जो भी सिस्टम है दोस्तों, ये सारे के सारे सिस्टम जो कि एक साथ के तालमेल के साथ काम करते हैं। और ये सारा का सारा जो हमारा सिस्टम है, जो सारा का सारा सिस्टम हमारा है, ये जो 9 तरह का जो हमारे प्रणाली है, ये सारे के सारे सिस्टम जो होते हैं दोस्तों, एक साथ मिलके काम करते हैं और एक आपस के तालमेल में, और कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, सब अपने हिसाब से काम करते हैं, एक आपस के तालमेल के हिसाब से काम करते हैं, और तब हम महसूस करते हैं कि आई एम हेल्दी। और ये जो 9 तरह का सिस्टम है, इन किसी भी सिस्टम में कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत आता है, किसी का तालमेल जब बिगड़ने लगता है, तो आपकी जिंदगी में आती है रोग। और इसके बारे में आपको समझने से पहले आपको सबसे बेसिक चीजें समझना होगा हमारे बॉडी के बारे में, आपके अपने शरीर के बारे में समझना होगा। और इंसान का जो शरीर है, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, वो होता है हमारा सेल। और जो हमारा सेल होता है, वही हमारी जिंदगी को लेकर चलता है। अगर हमारा सेल मर जाए तो हम खुद मर सकते हैं। तो हमारे बॉडी का जो हमारा जीवन है, वो डिपेंडेंट करता है हमारे सेल के ऊपर और हमारे सेल के कार्यक्रम के ऊपर। जो हमारा सेल एक्शन करता है, जो काम करता है, जो एक्टिविटीज करता है, उसी के ऊपर हमारा जीवन निर्भर करता है। उसके बाद में आता है आपका टिश्यूज। टिश्यू जो होता है दोस्तों, वो आप सेल का जो होता है वो बंडल होता है, ग्रुप्स होते हैं, और ये जो होता है कि अलग अलग स्पेसिफिक अपना अपना काम करते हैं, अलग अलग। जैसे आपका हार्ट का स्पेस मांसपेशी वो अलग काम करता है, आपका ब्रेन का मांसपेशी अलग काम करता है, आपका किडनी का अलग, मतलब अलग अलग तरह से काम। उसके बाद में आता है दोस्तों ऑर्गन। ऑर्गन जो होता है टिश्यू का एक अलग ग्रुप होता है, तो अपने अपने हिसाब से अपने अपने जगह के जगह पे वो अपने काम करते हैं। उसके बाद में आता है सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, जो कि अंगों की समूह होती है, और ये अलग अलग समूह के साथ होते हैं और ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और सारे लोग मिलकर जो कि शरीर को अच्छा रखने के लिए काम करते हैं। तो हम सभी को एक अच्छी चीज समझना है कि जो हमारा बॉडी है वो सेल से बना हुआ है, और हमारा जो सेल है वो पूरा का पूरा बॉडी सेल ही है, और जितना भी हमारे बॉडी में अंग हैं, जो भी सिस्टम है, जो भी तंत्र हैं, ये सारे के सारे एक सिंगल सेल से डिजाइन हुए हैं, और ये सारे अलग अलग जगहों पे हैं, अलग अलग तरीके से एक्शन करते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ये हम सभी को समझना चाहिए। और ये जो हमारा बॉडी है एक अद्भुत मशीन है, और आपकी आंखों का जैसे सेल होता है वो अलग काम करता है, आपका ब्रेन का सेल अलग काम करता है, उसी तरह से हमारा शरीर बहुत ही अद्भुत है, और इसको हमको अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हम सबको एक छोटा सा प्रयास करना है। और इसके बारे में अगर आपको समझना, देख रहे हैं आप देख पा रहे होंगे, आपका मसल्स का सेल, आपका ब्लड का सेल, आपका स्पर्म का सेल, स्किन का सेल, नर्व का सेल, और ये आपका टोटल सेल जो है, ये सारा हमारे सेल का डिजाइन है। ये हमारे बॉडी का सेल्स होते हैं, और ये पूरा बॉडी जो हमारा है लगभग लगभग 4 महीने में जो कि रीजनरेट होता है, मतलब 4 महीने के अंदर हमारे शरीर में जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे सेल्स नए हो जाते हैं, और हमको पता भी नहीं चलता है। तो ये हमारा अद्भुत मशीन है, इतना बड़ा शरीर में इतने सारे चेंजेस होते हैं जो कि हमको पता नहीं होते। तो ये पावर जो है कि ये इंसान के बॉडी के साथ है, और इस दुनिया में कोई ऐसा कोई भी मशीन नहीं है जो ये क्रिया वो मशीन कर सकता है, क्योंकि इंसान का शरीर एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा इंसान के शरीर को हम बायोलॉजिकल मशीन कहते हैं, जीवित मशीन। और इस दुनिया में जितनी भी तरह की मशीन है, इंसान के शरीर को छोड़ देने के बाद में किसी भी मशीन में ये ताकत नहीं कि वो अपने आप को रिपेयर कर पाए, वो खुद को रिपेयर कर पाए। तो इंसान का शरीर एक ऐसा मशीन है, उसको अच्छी खुराक दिया जाए तो वो सारा कुछ खुद रिपेयर करने का ताकत रखता है। और अगर बात करें हम दोस्तों अपने शरीर का, जो अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको जो कि दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं आपको जो लेना चाहिए, टू थिंग्स, आपको जिंदा रहना है तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होता है, पहला चीज होती है ऑक्सीजन, दूसरा चीज होता है ग्लूकोज। अगर ये दो चीज आपको ना मिले तो आप 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। अगर आपके जीवन से ऑक्सीजन और ग्लूकोज को हटा दिया जाए तो हम 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं दोस्तों। 5 मिनट छोड़िए, 2 मिनट भी हम जिंदा
नहीं रह सकते। अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको ऑक्सीजन चाहिए, और दूसरा जो चीज चाहिए वो चाहिए ग्लूकोज। और ये जो है ये हमारे बॉडी का जो बेसिक मैकेनिज्म है, हमारे शरीर का जो कि काम करने का तरीका है, जो हमारा सेल है उसमें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो ये एकदम बेसिक चीजें हैं, अगर आपके शरीर को ग्लूकोज ना मिले, पानी ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, तो आपका शरीर ऊर्जा नहीं बना पाएगा और आपके शरीर में ताकत घटने लगेगी। और ये जब आप हम शरीर को देते हैं, जब हम शरीर को ग्लूकोज देते हैं, पानी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो हमारा शरीर बनाता है ऊर्जा, और जब शरीर ऊर्जा बनाती है तो उससे कुछ वेस्टेज निकलते हैं जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम रेगुलर हमें सांस को आदान प्रदान करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो ये क्रिया लगातार चलती रहती है, चलती रहती है दोस्तों, और तब जाके हम जिंदा रहते हैं। इस तरह अगर देखा जाए हमारा ब्लड जो है, हमारे ब्लड का भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन भी जाता है, न्यूट्रिशन भी जाता है, उसमें वेस्ट मटेरियल भी होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तो हमारा जो बॉडी है वो हमारे ब्लड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है आपके बॉडी में ब्लड का, क्योंकि ये हमारे बॉडी का पूरा मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम समझ लिए कि आपके बॉडी में जो भी चीजें आप खाना के माध्यम से, पानी की या अन्य किसी भी माध्यम से अगर आप उसमें डालते हैं तो हमारे ब्लड में ही जाके वो मिलता है। अगर आप शराब भी पीते होंगे तब भी ब्लड में मिलता है, आप अगर अच्छा सेब खाते हैं तो भी ब्लड में जाके मिलता है, तो ब्लड में हर एक चीज घुलती रहती है और हमारा बॉडी उसको डिटॉक्स करता है, उसको साफ करता है, जो चाहिए होता है ले लेता है, जो नहीं चाहिए होता है उसको डिटॉक्स करके हमारे शरीर से बाहर निकालने का ताकत रखता है। और ये क्रिया जो होती है रेगुलर चलती रहती है। अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स की बात करें तो आप देख रहे हैं ये इंसान की बॉडी है, और इंसान के बॉडी में ये पेड़ की तरह जो आपको दिख रहा है, जो पेड़ की शाखाएं जिस तरह छोटी छोटी दिख रही हैं, यही वो चीजें है दोस्तों जो हमारे बॉडी का मतलब ब्लड वेसल्स है, जो बहुत पतली पतली जो नसें हैं जो आप नंगी आंखों से देख नहीं पा सकते हैं, तो उसमें जो होता है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होती है, क्योंकि वो अब नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जिसके वजह से दोस्तों हम सभी लोग की अच्छे से न्यूट्रिशन ऑक्सीजन पहुंचाना बहुत ही काम कठिन काम होता है। और इसी के माध्यम से आपके सेल तक, आपके कोषों तक, जितने भी आपके बॉडी में सेल्स हैं वो सारे के सारे सेल्स तक जो चीजें हैं वो आपका इसी के माध्यम से पहुंचता है। और आपके बॉडी में जो आप देख रहे हैं इस इमेज को, ये इतनी मतलब पतली नलिकाएं हैं, इसमें अगर कहीं भी कुछ जाम हो जाता है, कहीं भी फंस जाता है, कुछ चीज अगर रुक जाती है, तो उससे आगे का जो आपका सेल्स है उसको अच्छे से खुराक नहीं मिलता है, और फिर वहां के जो सेल्स होते हैं वो धीरे 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 मरने लगते हैं। जब वो सेल्स मरने लगते हैं दोस्तों होता क्या है कि आपका धीरे 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 समस्याएं दिखनी शुरू हो जाती है। और हम अगर हेल्दी बात करें, अगर हेल्दी सेल कंसेप्ट की बात करें, तो हेल्दी सेल हेल्दी बॉडी, अनहेल्दी सेल डिजीज और डेथ। अगर आपका सेल हेल्दी है तो आपका बॉडी हेल्दी है, और आपका सेल अनहेल्दी है या तो आप रोगी हो सकते हैं या फिर आप मर सकते हैं। आपका ब्रेन सेल देख रहे हैं, आपका बोन सेल देख रहे हैं, आप पैंक्रियाटिक सेल देख रहे हैं, लीवर का सेल देख रहे हैं, स्किन का सेल देख रहे हैं, ब्लड का सेल, ये सारे के सारे जो सेल्स हैं इनको क्या चाहिए दोस्तों? इनको पहला चीज चाहिए ऑक्सीजन, दूसरा चाहिए पानी, तीसरा चाहिए न्यूट्रिशन मतलब पोषक आहार, चौथा चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो चाहिए सूर्य की प्रकाश। ये चार चीजें अच्छे ढंग से प्रॉपर वे में अगर आपको मिलती है तो आपका बॉडी निश्चित रूप से हेल्दी रहेगा। लेकिन आज के लोगों में समस्या यह है दोस्तों कि हम लोग जो है कि न तो अच्छा पानी ले रहे हैं, न तो अच्छा भोजन ले रहे हैं, न तो अच्छे से सूर्य प्रकाश ले रहे हैं, और प्रदूषण इतनी बढ़ गई कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है दोस्तों आज घट रही है, ऑक्सीजन का जो लेवल है आज वायुमंडल में घट रहा है, कम हो रहा है। क्यों? प्रदूषण इतनी तेजी से बढ़ रही है, और आप दिन भर में जितना ऑक्सीजन ले रहे हैं उस ऑक्सीजन से हमारे बॉडी को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आज इंसान थके थके रहते हैं, ये सारी चीजें आप देख पा रहे होंगे। और जो आपका बॉडी होता है अगर इसको देखा जाए, जैसे कि हमने आपको बताया ब्रेन सेल, आपका हड्डियों का सेल, आपका पैंक्रियाज का सेल, आपके लीवर का सेल, स्किन का सेल, ब्लड का सेल, अगर सारी चीजों को अगर हम लोग देखते हैं और इसको अलग अलग अगर पार्टीशन करें तो लगभग लगभग आपके बॉडी के अंदर में 216 तरह के अलग अलग सेल्स होते हैं, और ये लगभग लगभग 70 ट्रिलियन हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, 70 ट्रिलियन सेल्स होते हैं दोस्तों। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अद्भुत मशीन है हमारी बॉडी। इसको चलाने के लिए चार महत्वपूर्ण चीजें हैं, ऑक्सीजन, पानी, पोषक आहार और सूर्य की प्रकाश। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा कंसेप्ट है, जो हमारा डिएक्शन का कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट यही कहता है कि हमारा जो मेन कंसेप्ट है एक अच्छा न्यूट्रिशन देना और दूसरा एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन के लिए मदद करना। अगर आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए तो आप न्यूट्रामा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहे, तो आपको स्पिरुलिना का सेवन
करना चाहिए। ये दो डिएक्शन का मेन कंसेप्ट है। आपका अच्छा न्यूट्रिशन के लिए आपको गैनोडर्मा लेना है और एक अच्छे ब्लड सर्कुलेशन के लिए आपको स्पिरुलिना का सेवन करना। और अभी तक आप लोगों ने, दोस्तों लोग, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीजें सीखी है, जानी है, समझी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, ये तरह तरह की पैथी है, मतलब कि तरीका है, थेरापी है उपचार करने का। जैसे कि एलोपैथी और थेरापी, ये जो थेरापी होता है एक पद्धति होता है किसी भी चीज को ट्रीट करने के लिए। तो डिएक्शन का जो कंसेप्ट है ये है गैनोथेरापी, और अभी तक इस दुनिया के लिए ये एक नया थेरापी है, एक नया पद्धति है लोगों को ट्रीट करने के लिए, आप अपने आप को ट्रीट करने के, आप अपने बॉडी को अच्छे से ट्रीट अगर करना चाहते हैं तो गैनोथेरापी आपके लिए दुनिया का सबसे बेहतर थेरापी है दोस्तों, सबसे परफेक्ट थेरापी है। आज तक जितनी भी थेरापियां इस दुनिया में आप देखते हैं, जानते हैं, सबसे बढ़िया थेरापी है गैनोथेरापी। और इसी थेरापी के कंसेप्ट के ऊपर डिएक्शन पूरे पिछले 30 सालों से जो की वर्क करे। अब आप बात करते हैं हमारा जो बॉडी होता है, तो आपका शरीर है ये क्या करता है कि जितने भी टॉक्सिन, जितने भी इम्बैलेंस होते हैं, यही हमारे शरीर का मेन बीमारियों का कारण होता है। जब हमारे बॉडी में टॉक्सिन या इम्बैलेंस बढ़ने लगते हैं, बढ़ते रहते हैं बाहरी रूप से, आंतरिक रूप से, तो ये जो सारी चीजें होती हैं, अभी बढ़ते कैसे हैं, अत्यधिक तनाव होते हैं, मॉडर्न लाइफ स्टाइल होता है, फ्री रेडिकल, हवा में प्रदूषण, पानी में प्रदूषण, केमिकल, ड्रग्स, ये सारी जो चीजें होती है ये क्या करते हैं कि हमारे बॉडी में टॉक्सिन और इम्बैलेंस की मात्रा बढ़ा देती है, बड़ा कर देती है। और फिर जो कि अब हमारा ईटिंग हैबिट जो है ये बहुत ही गलत है, क्योंकि हम हमेशा खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, खाते रहते हैं, और जो हमारा भोजन है वो हम अत्यधिक भोजन लेते हैं, ज्यादा खाते हैं, तेजी तेजी फास्ट फास्ट खाते हैं, हम अत्यधिक मात्रा में एसिडिक फूड खाते हैं, अत्यधिक मात्रा में हम लोग कुक फूड खाते हैं, और बहुत कम मात्रा में जो है कि हम ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं दोस्तों। ये जो है हमारे शरीर में टॉक्सिन और इम्बेलेंस करने का सबसे बड़ा कारण, हम अत्यधिक खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, हर बार खाते हैं, एसिडिक खाते हैं, ज्यादा पका हुआ भोजन खाते हैं, और बहुत कम मात्रा में, बहुत थोड़ी सी मात्रा में जो कि हम ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन करते हैं, जिसके वजह से जो है कि हमको इस तरह की समस्याएं आने लगती है। तो अगर हम बात करें हमारे बॉडी की, अगर बात करें, हमने जैसा आपको बताया था कि हमारा जो बॉडी है वो अपने आप में एक अद्भुत मशीन है, एक अद्भुत मशीन है, और हमारा बॉडी जो है कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। और हमारे बॉडी में अगर देखा जाए तो तीन लेवल्स होते हैं, तीन पद्धति होती है, तीन मेथड्स होते हैं, जिसमें पहला जो लेवल होता है हमारे बॉडी का, जैसे कि किसी भी देश में, किसी भी देश की सुरक्षा में, किसी भी देश के सुरक्षा में जो होता है कि जो लेवल होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, उसमें जो तीन तरह का लेवल होता है कि एक होता है गार्ड होता है, जो कि बाहर से कोई चीज आता है तो उसको अच्छा करता है, अंदर में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक करता है। तो ये जो हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, तीन तरह का हमारे बॉडी में डिफेंस सिस्टम है, और हमारे बॉडी के टॉक्सिन से डील करने के लिए आपका जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, अगर हमारा शरीर अगर बेस्ट डॉक्टर दुनिया में है तो क्यों बेस्ट डॉक्टर है, इसका ये तीन सबसे बड़ी कारण, तीन सबसे बड़ा कारण है, तीन सबसे महत्वपूर्ण रीजन है दोस्तों, इसके वजह से आपका बॉडी दुनिया का सबसे महान डॉक्टर माना जाता है। तो पहला जो इसका लेवल है, फर्स्ट जो डिफेंस लेवल है, ये हमारे बॉडी से टॉक्सिन को डिस्चार्ज करता है, मतलब कि हमारे शरीर के अंदर जो भी विकार है उसको शरीर से बाहर निकालता है। पहला काम ये क्या है कि आपका जो शरीर है, आपके शरीर के अंदर में जो भी विकार चीजें जाती है उसको शरीर से बाहर निकालता है। दूसरा जो इसका डिफेंस लेवल होता है, ये क्या करता है, उसको एक जगह पे रखता है, पुट असाइड इस, इसको कहते हैं, जैसे कि आपके किडनी में अत्यधिक कैल्शियम जाता है, अत्यधिक बिकार चीजें जाती है, तो उसको अगर डिस्चार्ज नहीं कर पाता बॉडी, तो क्या करता है, एक जगह पे जमा करता है। तो आप लोग सुने भी होंगे कि यार इनको पत्थरी का समस्या हो गया, इनको ये समस्या हो गया, इनको ये समस्या हो गया, तो वो बॉडी क्या करता है, जिसको डिस्चार्ज नहीं कर सकता उसको क्या करता है कि एक जगह पे जमा करता है। तो आप सुने होंगे कि किसी को पत्थरी हो गया, तो वो क्या करता है, आपका जो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, आपकी रक्षा करने की जो तरीका है, पहला तरीका जो है इसका डिस्चार्ज करने का, जब उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकता तो क्या करता है कि एक जगह पे धीरे 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 जमा करता है। तो वो धीरे धीरे आपके किडनी में हो गया तो आपको किडनी का पत्थरी, आपके गल ब्लैडर में हो गया तो गल ब्लैडर का पत्थरी, आप और कहीं किसी अंग में जमा हो जाता है तो वहां की दिक्कत हो। तीसरा जो इसका डिफेंस का तरीका होता है, तीसरा जो आपको बचाने का काम इसका होता है, तो ट्यूमर डेवलप करता है, मतलब कि जो उसको कर कुछ नहीं कर सकता उसको क्या करता है कि ट्यूमर के रूप में उसको विकास
करता है, तो आपको पता चलता है कि हमारे बॉडी इस बॉडी में ये समस्या हो रही है, और ये आपका बॉडी ऑटोमेटिक करता है। इसको करने के लिए किसी से परमिशन नहीं लेना होता है और किसी से कोई कोई इसका कोई लेन देन भी नहीं होता है। मगर आप अपने बॉडी को अच्छी खुराक देते हैं, अच्छा भोजन देते हैं, तो ये तीन जो लेवल्स हैं आपके अपने रक्षा के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए, आपका रक्षा करने के लिए, तो ये जो आपका बॉडी है ये तीनों काम खुद करता है। ये डिस्चार्ज भी करता है और जो गंदगी उसको अपने पास लेता है, अगर आपने अच्छा भोजन किया तो उस गंदगी को साफ करने के लिए भी मदद भी करता है। तो इस तरह की अगर कोई दिक्कत आती है आपको परेशान होने की जरूरत है, आपका बॉडी का ये काम करने का तरीका है, आपकी बॉडी को रक्षा करने का तरीका है, ये आपको समझना है। उस तरीके जब समस्या आपको आती है तो यही समझना कि अब आपको अच्छा खान पान में ध्यान देने की जरूरत है। और ये तीन तरीका बहुत ही अद्भुत है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल है। अब हम बात करते हैं पहला लेवल, फर्स्ट डिफेंस सिस्टम का जो लेवल होता है, जैसे हमने आपको बताया था डिस्चार्ज वाला फेस, जो कि आपका बॉडी जो है कि गंदगी को बाहर निकालती है, जैसे हमने आपको बताया था। तो जो डिस्चार्ज करती है हमारी बॉडी, जो गंदगी शरीर से बाहर निकालती है, तो पहला होता है कि आपका पसीना, दूसरा होता है आपका यूरिन पेशाब, तीसरा होता है आपका बलगम, चौथा होता है आशा देवी कोई है जो हमको दिक्कत कर रही है, परेशान कर रही है, प्लीज उनको थोड़ा सा डील करें। तो ये जिसका जो पहला फेज होता है, ये पसीना के माध्यम से आपके शरीर की गंदगी को निकलता है, फिर यूरिन के माध्यम से, फिर कफ के माध्यम से, फिर आपके स्टूल के माध्यम से, मतलब शौच के माध्यम से। ये जो चार तरीके होते हैं आपका बॉडी का जो पहला डिफेंस सिस्टम है, ये चार तरीके से गंदगी को बाहर निकालता है दोस्तों, पहला तरीका। दूसरा जो तरीका होता है पुटासाइड। ये क्या करता है, जो बहुत सारी चीजें होती है हमारे बॉडी शरीर के अंदर में क्रिस्टलाइज हो जाती है, कंबाइंड हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है, उसमें चीजें होती हैं, तो उनको क्या करता है कि क्रिस्टलाइज जो हो जाती है उसको कुछ लोग यूरिक एसिड में बदल देता है, कुछ स्टीन में कंबाइन कर देता है, तो ये सारी चीजें क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल फैट में भी वो बदलने का ताकत रखता है और हमारे बॉडी में जमा हो जाती है दोस्तों। तो ये जो होता है कि कहीं इकट्ठा करने लगता है हमारा, जैसे कि आप अत्यधिक अगर आप कैलोरी ले रहे हैं तो आपके बॉडी में फैट बनना जरूरी जैसे बात है। तो इसी तरह से जो आपका बॉडी है या हमारा बॉडी है, जब हम अनवांटेड चीज अत्यधिक लेते हैं, तो दूसरा जो आपके रक्षा करने की चीज है वो क्या करता है कि कहीं एक जगह पे वो जमा करने लगता है, और फिर आपको धीरे धीरे पता चलती है। तो आपको सिंपली समझना कि ये चीज आपको दिख रही है तो इस तरह का चीजें अब आपको नहीं लेना है, तो वो धीरे धीरे चीजें अपने आप वो सही हो जाएंगी। और तीसरा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण तरीका और थर्ड लेवल का जो ट्यूमर डेवलपिंग की बात होती है, जब हमारा बॉडी टॉक्सिन को डिस्चार्ज नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में क्या करता है कि लंबे समय के बाद, एक लंबे समय के बाद में आपके सेहत में जो होती कुछ समस्याएं दिखती है, और वो जो कि आपके ट्यूमर ग्रुप में आपको पता चलता है। तो यही तीन तरीके हैं हमारे बॉडी का रक्षा करने का। तो आपका बॉडी ये तीन तरीके से आपकी रक्षा करता है और आपको समय समय में जानकारियां देता है कि आप इस चीज से सावधान रहें। और ये सबसे बेहतर अगर तरीका है, सारे तीनों तरीके अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर अच्छे से कर पाए और बेहतर तरीका से, वो तीन तरीकों को सपोर्ट अगर आप चाहते देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो बॉडी है उसको एक बेहतर सपोर्ट दें, आपके बॉडी को एक अच्छी सपोर्ट दें, तो सबसे दुनिया में इससे बेहतर अभी तक कोई भी रिसर्च में ये चीज नहीं पता चली कि इससे बेस्ट सपोर्ट करने वाला चीज दुनिया में है, जिसे हम गैनोडर्मा के नाम से जानते हैं, और उसको हम और अगर थोड़ा सा डीप जाए तो RGNGL के नाम से जाना जाता है। अगर आरजी का अगर हम सेवन करते हैं तो वो हमारे बॉडी से जो है कि टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करता है, और हम जीएल अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बॉडी का बैलेंसिंग करता है और हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ करता है, मतलब मजबूती प्रदान करता है। और ये जो है कि प्रेगनोडर्मा की बात की जाए तो पिछले 5000 वर्ष पुरानी एक ये जड़ी बूटी है, जिससे कि जमाने में, पहले के जमाने में ऋषि मुनि इस्तेमाल करते थे, राजा महाराजा इस्तेमाल करते थे, और इसको जो कि जापान में एक बुक है इसमें बताया गया कि ये देवताओं की जड़ी बूटी थी, और वही जड़ी बूटी डॉक्टर लीम 10.5 साल की कड़ी मेहनत रिसर्च के साथ आज हम सभी के लिए लेके आए हैं, जिससे हम अपने शरीर की जो तीन डिफेंस सिस्टम है इसको मजबूत कर पाए और अपने बॉडी को हेल्दी कर पाए। तो आप जहां भी हैं डॉक्टर लीम के जरूर जोरदार तालियां बजाएं। अब तीसरा जो है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थ्योरी, हमारे बॉडी में क्या, पहला जो हमारा शरीर काम करता है, जैसे कि आपको किसी भी तरह कोई चीजें आपके शरीर के अंदर जाती है तो बॉडी जो हमारा ऑब्जर्व करता है उसको देखता है, ऑब्जर्वेशन थ्योरी हम बोलते हैं इसको, ऑब्जर्वेशन थियरी बोलते हैं, वो देखता है कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी दिक्कतें आ रहे हैं, जो समस्याएं हमारे बॉडी में आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं। जैसे बहुत सारे लोग आज बीमार हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हो रही है, हेल्थ का इश्यू हो रहा है, ये क्यों आ रहा है। इसका जो मुख्य कारण है दोस्तों, ये दो कारण है। पहला है ये टॉक्सिन, टॉक्सिन का मतलब कि आपके शरीर को जो चीजें जरूरत है वो आपको नहीं मिल रहा है, उसके अलावा बाहरी चीजें मिल रही जो शरीर की जरूरत है उसको टॉक्सिन कहते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है,
इम्बेलेंस ऑफ बॉडी सिस्टम। तो हमारे शरीर में जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 9 तरह की जो प्रणालियां हैं, सिस्टम है, उस सिस्टम में जब काम करने का तरीका, तालमेल बिगड़ जाता है, तब आपके बॉडी में क्या है कि आपको बीमारियां आती है, तब आपकी जिंदगी में हेल्थ का इशू आता है। तो पहला हमारा शरीर जो काम करता है वो ऑब्जर्वेशन करता है, उसको देखता है क्यों ऐसा हो रहा है। और दूसरा जो चीजें होती है एसिडिक वर्सेस अल्कलाइन थियरी, ऑब्जर्वेशन थियरी के बाद में एसिडिक वर्सेस अल्कलाइन थियरी। अगर आप अत्यधिक एसिडिक भोजन लेते हैं जैसे कि मीट, सॉफ्ट ड्रिंक, प्रोसेस फूड, शुगर, पोर्क, अल्कोहल, कॉफी, ब्लैक टी, ये सारी चीजें जो कि नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया जाता है, ये सारी चीजें जब आप लेते हैं दोस्तों तो आपके बॉडी में दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। और आप जो भी चीजें ले रहे हैं, जो भी चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने जीवन के साथ जुड़ रहे हैं, आपको हमेशा ध्यान देना है कि 4:1 के हिसाब से आपको खाना लेना चाहिए, 4:1 के हिसाब से आपको खाना लेना चाहिए। मतलब कि आपको 4 भाग अल्कलाइन लेना है तो 1 भाग एसिडिक भोजन लेना है, आपको 1 भाग एसिडिक भोजन लेना है तो 4 भाग आपको अल्कलाइन भोजन लेना है। और दुनिया का सबसे बेस्ट अल्कलाइन फूड जो है वो आर्टिजियल, स्पिरुलिना, स्पाइका टी, लिंजी कॉफी, स्पिरुलिना, मोरंजी, लेकिन जो भी प्रोडक्ट देती है आपको 100% ऑर्गेनिक, 100% अल्कलाइन प्रोडक्ट देती है, जो आप जो खाना खा रहे हैं उसमें इतनी ताकत होती है कि उस खाने को भी अल्कलाइन में कन्वर्ट करने का पावर इसके अंदर होता है। और तब जाके लोग जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो अपने आप को एनर्जेटिक, तरोताजगी और ऊर्जावान महसूस करते हैं, जिसका पावर है कि आपके खाना को जो एसिडिक, अत्यधिक आप एसिडिक भोजन ले रहे थे उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है ग्लूटामेट का प्रोडक्ट। इसीलिए इस प्रोडक्ट का जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बॉडी को एक जबरदस्त सपोर्ट मिलती है। उसी के साथ में थर्ड, दूसरा इसका जो थ्योरी है वो है रिएक्शन इन कज बाय द बॉडी ग्लूटामेट। अब जब आपका बॉडी जब इसका सेवन करते हैं, जब ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब ग्लूटामेट इस्तेमाल करते हैं, तो आपका बॉडी देखता है, इसको डिस्कवर करता है, ऑब्जर्व करता है हमारे बॉडी का जो है कि और उसके अवेयरनेस के लिए। तो रिफ्लेक्सोलॉजी होती है, इमोशनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, एलिमेंट रिफ्लेक्शन होते हैं, ये 4 चीजें जो है कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये सारी चीजें जो है हमारी बॉडी उसको भी देखती है जब आप गंडरमा का सेवन करते हैं, जब इसका इस्तेमाल करते हैं, ये 4 चीजें आपकी बॉडी में होती है, रिफ्लेक्सोलॉजी, इमोशनल चेंज होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं और एलिमेंट रिफ्लेक्शन होता है। और रिफ्लेक्सोलॉजी में जो है कि आपका इमोशनल और फिजिकल दोनों आता है। ये चीजें जो होती है कि जब गंडरमा लेते हैं ये सारी चीजें आपको महसूस होती है। और इसके बाद में जो दूसरा है वो है ऑब्जर्वेशन थ्योरी, गंडरमा सपोर्ट द बॉडी। जब गंडरमा आप लेते हैं तो आपका बॉडी को जो ये अच्छे से सपोर्ट करता है, मदद करता है और ये हमारे बॉडी को अच्छा रखता है और हेल्दी रखता है और हमको दुनिया का जो भी हेल्थ का प्रॉब्लम होता है उसको बचाने का काम करता है। और ये है आपका ABC थियरी, मतलब ये भी यही आपका रूल है जो हमने आपको शुरू से लेके ऑब्जर्वेशन थियरी के बारे में बताया, एसिड वर्सेस अल्कलाइन थियरी बताया और आपके सपोर्ट सिस्टम के बारे में, ये 3 थियरी जो है कि इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा जो आपका इसका सिस्टम होता है वो आप जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कितना हम खाएं, कितना हम गंडरमा खाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉडी जनरल हेल्थ मेंटेनेंस रहे तो फर्स्ट वीक आप 1 पेयर लें, सेकेंड वीक 2 पेयर लें, थर्ड वीक 4 पेयर लें, फोर्थ वीक 6 पेयर लें। नो रेस्ट इंक्रीज डोज रेगुलरली और आप इस तरह से धीरे 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 मेगा डोज में भी जा सकते हैं और फिर इस तरह से धीरे धीरे देखेंगे कि आप उसको रेड्यूस भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और इसका कोई भी मतलब ये डोज नहीं है कि आप इतना ही ले सकते हैं, आप जितना चाहें उतना इसको भरपेट इच्छा के अनुसार आप इसका सेवन कर सकते हैं। और इसका जो मुख्य बातें हैं, इसका कोई डोज नहीं है क्योंकि आप कितने समय से खा रहे हैं सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ना कि आप कितना ज्यादा खा रहे हैं, इससे भी महत्वपूर्ण होता है कि आप कितने समय से खा रहे हैं। क्योंकि आपका बॉडी में 70 ट्रिलियन जो सेल होते हैं वो एक दिन में रिपेयर नहीं हो सकते हैं, इसके लिए आपको टाइम देना जरूरी है। ये चीजें हम सभी को समझना चाहिए कि इस तरह से गंडरमा का जो थियरी है, इस तरह से इसका काम, अगर आप जनरल लें 2-4 6 जितना भी चाहें, जितना आपका कैपेसिटी है, जितना आपका बजट है, उस हिसाब से इसका सेवन आप अच्छे से कर सकते हैं। और तीसरा दूसरा का सबसे महत्वपूर्ण जो थियरी है, एक ग्रीन थियरी। ग्रीन थियरी एक अगर बात की जाए तो आपका ब्लड जो साइकिल होता है, रेड ब्लड जो प्रोडक्शन होता है उसमें बहुत बड़ा इसका रोल होता है। जब आपका ब्लड सेल्स मरने लगते हैं, ब्लड का सेल जब मरने लगता है तो वो चीजें जो होते हैं कि हमारा बॉडी जो है कि उसको स्प्लीन में डिकम्पोज के लिए भेज देता है, फिर वो लीवर के अंदर जाता है, वहाँ डाइजेस्ट होता है, फिर वो किडनी में जाता है, उसमें हार्मोन्स उसको मिलते हैं, फिर वो बोन मैरो में जाता है, फिर वो जो कि होम्योग्लोबिन के रूप में
बनके तैयार होता है। तो ये है आपका ब्लड का साइकिल। जब आप अच्छा भोजन नहीं लेते हैं तो वही पुराना ब्लड जो कि हमारा बॉडी बार बार रिसाइकिल करता है, जिसके वजह से आपके बॉडी में वो उत्साह वो एक्साइटमेंट नहीं आती है। लेकिन जब आप स्पिरुलिना का कंज्यूम करते हैं तो ये जो है कि कम्प्लीटली जो कि ब्लड प्लांट माना जाता है स्पिरुलिना का, मतलब जैसे आपके बॉडी में जाता है विद इन 24 आवर्स में आपके बॉडी में ये जो है कि ब्लड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिसाइकिल ब्लड अगर बात की जाए, तो अगर रिसाइकिल ब्लड की अगर बात की जाए तो रिसाइकिल वाला ब्लड ज्यादा शक्तिशाली होगा या न्यू ब्लड सेल्स ज्यादा हेल्दी होंगे, या आप अंदाजा लगा सके दोस्तों। तो आपका बॉडी का ये है रिसाइकिल तरीका कि आपका बॉडी कैसे ब्लड तैयार करता है। और जब आप स्पिरुलिना का सेवन करते हैं तो वो अचानक से आपके बॉडी में जो कि ब्लड जो है कि बढ़ने लगता है, ब्लड सेल्स अच्छे होने लगते हैं, ब्लड फैक्टर अच्छा होने लगता है, और आप फिर ऊर्जावान एनर्जेटिक महसूस करने लगते हैं। तो आपके ग्रीन थ्योरी का भी बहुत बड़ा महत्व है आपकी जिंदगी में। उसी के साथ में इंजाइम थ्योरी, क्योंकि इंजाइम थ्योरी भी बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है दोस्तों। और आज इंजाइम थ्योरी की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आज दुनिया भर में अगर देखी जाए तो बहुत बड़ी एक समस्या है डायबिटीज, बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अगर हम आपको बात करें तो डायबिटीज उतनी बड़ी समस्या नहीं जितना बड़ा हमारा फूड है। डायबिटीज का जो प्रॉब्लम होता है ये होता है पेंक्रियाज से, पेंक्रियाज का जो प्रॉब्लम होता है वो होता है डाइजेशन सिस्टम से, और डाइजेशन का जो बात होती है वो फूड से होता है, और ये फूड का जो प्रॉब्लम होता है वो लेक ऑफ एंजाइम। जब आपके भोजन के अंदर एंजाइम की कमी होगी तब आपको डायबिटीज होने का चांस बढ़ जाता है, और इसलिए आपके भोजन में ज्यादा से ज्यादा एंजाइम की जरूरत है। और एंजाइम के लिए आपको आरटीजीएल, स्पिरुलिना, मोरंजी, कॉडिफाइन, और आपका जी ये नोनी घी, नोनी, ये सारा प्रोडक्ट आप घी भर के इस्तेमाल करेंगे तो आप भरपूर मात्रा में जो कि आपको एंजाइम मिलता है। तो अगर आप डायबिटीज वाले भी अगर व्यक्ति हैं तो आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो धीरे 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 देखेंगे आपका फूड चेन सिस्टम होगा, फिर आपका फूड सिस्टम होगा, फिर डाइजेशन अच्छा होगा, फिर पेंक्रियाज अच्छा होगा, फिर आपका धीरे धीरे डायबिटीज का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर सिर्फ डायबिटीज को लेकर घूमेंगे, फूड चेन को सही नहीं करेंगे, इंजाइम थ्योरी को नहीं समझेंगे, तो वो समस्या आपकी जिंदगी के साथ ही खत्म होगी। तो ये इंजाइम थ्योरी इंसान के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आज की बात की जाए, वर्तमान समय की बात की जाए, तो हर इंसान के खाने के अंदर से इंजाइम खत्म हो रहे हैं, इंजाइम्स नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि आज इंसानों की तरह तरह की हेल्थ का इश्यू आ रहा है, तरह तरह की लोगों की बीमारियां हो रही है। तो इंजाइम थ्योरी भी इंसान के जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अगर इंजाइम भरपूर मात्रा में लेना चाहते हैं तो आरजीजीएल से ले सकते हैं, स्पिरुलिना से ले सकते हैं, मोरंजी से ले सकते हैं, कॉडिफाइन, मतलब बहुत सारा डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है जिससे आप भरपूर मात्रा में एंजाइम ले सकते हैं। उसी के साथ साथ में अगर हम बात करें तो हमारा प्रोडक्ट है जो गंडोरमा का प्रोडक्ट है, इसको कौन कौन खा सकता है, कौन कौन लोग है जो इसको खा सकते हैं। अगर इसको हम देखें तो इसको 7 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं, 7 तरह के लोगों को ये प्रोडक्ट हम अच्छे से कंज्यूम करवा सकते हैं। पहला जो है प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिला, उसको अब इस प्रोडक्ट को देते तो वो लेडीज का भी हेल्थ अच्छा होता है, और वो जो बच्चा होता है प्रेगनेंसी की अवस्था में उस बच्चे का भी हेल्थ अच्छा होता है, और उस बच्चे का जो डेवलपिंग पावर होता है, जो उसका फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। बहुत सारे लोग आप जानते भी होंगे कि जब प्रेगनेंसी अवस्था में आप उसका अच्छा खान पान, अच्छा भोजन में ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है कि जन्मजात हैंडीकैप होते हैं, किसी का कान अच्छे से नहीं बनता, किसी का मुंह अच्छे नहीं बनता, किसी का हाथ नहीं अच्छा होता, किसी का पैर अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ वो डिफेक्ट लेके पैदा हो जाता है। और एक बार जब डिफेक्ट लेके पैदा हो जाता है, दुनिया में ऐसा कोई साइंस नहीं उसको सही कर पाए। तो सबसे पहला जो चीज है, प्रेग्नेंट वुमेन को इस प्रोडक्ट का बहुत रिक्वायरमेंट होता है, बहुत बड़ी जरूरत है। ये सारी चीजें हम जो कि अगर बहुत ही महिला को देना बहुत जरूरी। उसके बाद में स्कूल चिल्ड्रेन, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर आप उनको स्पिरुलिना देते हैं, मोरंजी देते हैं, आप आरटीजीएल देते हैं, ये प्रोडक्ट हम बच्चे को देते हैं तो उसका जो कंसंट्रेशन पावर होता है, स्मरण की शक्ति, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ने के बाद में उस चीज को आपको ग्रैप करना, मतलब कि उसको अपने अंदर समाहित करना, पढ़ना बहुत जरूरी होता है, पढ़ने तो बहुत कुछ लोग पढ़ते हैं, उसको याद कितना रखते हैं आप, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। तो आप चाहते हैं कि आपका जो शार्पनेस है, आपका जो स्टोरेज पावर है वो मजबूत रहे, जो पढ़े वो हमेशा याद रहे, इसके लिए आपको ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना जरूरी है। मैरिड कपल, अच्छा जिंदगी जीने के लिए मैरिड कपल के लिए बहुत अच्छा होता है। सिक पीपुल, जो लोग बीमार होते हैं उनको भी आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। इन्फेंट, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी हो जाती है, जो छोटे छोटे बच्चे उनको टीनेजर्स के लिए आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ में हम जो कि सीनियर सिटीजन को भी दे सकते हैं। इसी के साथ साथ में जो कि हम लोग 7 तरह के जो हमारा एज ग्रुप है, 7 तरह के जो हमारे सोसाइटी में लोग, ये सारे के सारे लोगों को जो कि आप रिएक्शन का प्रोडक्ट दे सकते हैं, और जो भी इस प्रोडक्ट का खाएगा उनके हेल्थ में एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार
रिजल्ट आएगा, और वो लोग जो कि अपने आप को बीमारियों से बचा पाएंगे और जिंदगी में बीमारियां नहीं होगी। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरी बात अच्छी लगेगी और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू डॉक्टर दिलीप दीर्घिक नारायण सर।